हम पिछले कई सालों से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। मेरा अनुभव यह कहता है कि एजेंट उस माझी की तरह होता है जो चाहे तो नेताजी की डूबती नैया को पार लगा दे या डुबो दे। मेरी इस बात से आपको समझ जाना चाहिए कि पोलिंग एजेंट को चुनाव के दिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं संजय अहलूवालिया, इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ वैल्यू वन। पोलिंग एजेंट बनते कैसे हैं, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जरूरी क्यों है। पोलिंग एजेंट पोलिंग वाले दिन वोटर की लिस्ट, उनकी पहचान के साथ साथ यह भी ध्यान रखता है कि कहीं बूथ पर फेक वोटिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए कितनी फेक वोटिंग होती है। अगर एक पोलिंग बूथ पर 1000 वोट डाले जा रहे हैं तो वो 1000 लोग उसी पोलिंग बूथ के हैं या नहीं, और जब कमरे में ऑफिसर कोई नाम बोल रहा है तो वहां बैठे पोलिंग एजेंट उसे देखकर ये पहचान कर सके कि हाँ, ये वही नाम है जिसका वोट इस बूथ में पड़ना है। दूसरा मेन कारण ये है कि इंडिया में अब तक फ्लोटिंग वोट की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। वोटर वोट मशीन तक जाने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि किसे वोट दें। तो ऐसे लोगों को अगर वहां बैठी कैंडिडेट की टीम या पोलिंग एजेंट देख रहे हैं तो ये काफी बेनिफिशियल होगा। कुछ लोग आते हैं जो अपना बूथ नंबर वगैरह पूछते हैं। इन लोगों की जब पोलिंग एजेंट और आपकी टीम हेल्प करती है उनको उनका नंबर बताने में, बूथ तक पहुंचाने में, तो आमतौर पर लोगों का यह मानना है कि जो फ्लोटिंग वोट होते हैं वो आपके लिए यानी उम्मीदवार के लिए तब्दील हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पोलिंग एजेंट बनते कैसे हैं। नंबर वन, पोलिंग एजेंट बनने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे फॉर्म 10 कहते हैं। ये फॉर्म पोलिंग एजेंट के अपॉइंटमेंट के लिए होता है। नंबर टू, इस फॉर्म में उम्मीदवार के साइन होते हैं, इलेक्शन एजेंट के साइन होते हैं और जिसे पोलिंग एजेंट बनना है उसके साइन होते हैं। नंबर थ्री, इस बूथ पर एक से ज्यादा यानी दो पोलिंग एजेंट बना सकते हैं। नंबर फोर, और जब पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे तब एक बार फिर इलेक्शन एजेंट के आगे साइन करने होंगे। पोलिंग एजेंट बनने के लिए क्या क्या करना होता है। नंबर वन, सबसे पहले उसके पास खुद का वोटर आईडी कार्ड या कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए जिस पर उस व्यक्ति की फोटो हो। नंबर टू, वह उसी बूथ का एक वैलिड वोटर होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? ताकि उस बूथ के वोटरों की पहचान कर सके कि ये सभी वोटर उसी बूथ पर वोट डालते हैं। नंबर थ्री, उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए यानी फिल किया हुआ फॉर्म 10 होना चाहिए। नंबर फोर, उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह एक दिन पहले ही पोलिंग एजेंट को फॉर्म साइन कर दे। नंबर फाइव, एक ब्रास सील होती है हर कैंडिडेट को या इलेक्शन एजेंट को बूथ के हिसाब से एक ब्रास सील बनाने की जरूरत है। यह छोटी सी होती है जिसके हेड पर कैंडिडेट की पार्टी का नाम होगा। ब्रास सील का काम यह है कि जब वोटिंग पूरी हो जाए तो ब्रास सील से उस डब्बे को, उस मशीन को सील किया जाता है। हर पार्टी के व्यक्ति अपना अपना सील यूज करके उस पर सील कर देता है, जिससे काउंटिंग के दिन आप ये इंश्योर हो कर सकते हैं कि इस बॉक्स के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। नंबर सिक्स, पोलिंग एजेंट के पास पेन पेंसिल होना चाहिए। नंबर सेवन, छोटे छोटे पेपर स्लिप होने चाहिए जिससे कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि बूथ पे मेरा नंबर क्या है तो आप ढूंढकर देखकर उस स्लिप पर व्यक्ति का बूथ नंबर लिखकर दे सकते हैं। नंबर एट, आपके पास उस बूथ के इलेक्टोरल रोल की फोटोकॉपी होनी चाहिए जिसमें वोटर की फोटो लगी हो, जिससे आप उस व्यक्ति को देखकर फटाफट आइडेंटिफाई कर सके और साथ ही साथ इससे उसे पता चलता रहेगा कि कितने लोगों ने वोट दिए और कौन कौन अपना वोट देने अभी तक नहीं आए। नंबर नाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पोलिंग स्टार्ट होने से पहले पोलिंग बूथ पर जाकर मशीन को अच्छी तरह से चेक कर लें कि मशीन के सारे बटन अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और जो वोट की काउंटिंग है वो भी सही हो रही है। जो बटन दब रहा है उसके हिसाब से ही काउंटिंग हो रही है।
नंबर 10, और जब पोलिंग हो जाए तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके बूथ से कुल कितने वोट पड़े हैं और आपने मशीन सील कर दी है अपने ब्रास सील के साथ। अगर आपने 5,500 वोटर को कन्वर्ट कर दिया अपने अच्छे व्यवहार से तो समझ लीजिए आपने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में हो या राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा कवर ले रहा हो, ये दोनों पोलिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।